एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता बबलू कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ का देहांत हो चुका था, वो अपने पिताजी के साथ ही रहती थी। टुनटुनी के पिता ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। एक दिन टुनटुनी उनसे कहती है, पिताजी आप अकेले कब तक मेहनत करते रहेंगे, अब मैं भी आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। अब मुझसे और पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, आप भला और कितने पैसे मुझ पे खर्च करेंगे। अब से मैं भी ऑटो चलाना सीखूंगी और उससे थोड़े बहुत पैसे कमाकर आपकी मदद करूंगी। नहीं नहीं टुनटुनी बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें इतना पढ़ा लिखा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए नहीं कि तुम ये ऑटो रिक्शा चलाओ। तुम मेरे जैसी जिंदगी मत जियो बेटा, तुम लाख गुना अच्छी जिंदगी जीना, तुम खूब मेहनत करके पढ़ो और नौकरी लो। असल में टुनटुनी चिड़िया को पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो रोज कॉलेज जाया करती थी क्योंकि कॉलेज में उसका टुन्नू नाम का एक बॉयफ्रेंड था। टुनटुनी अब तो बहुत दिन हो गए हमारे रिश्ते को, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ टुन्नू, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं पिताजी से इस बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो कुछ काम धंधा करते ही नहीं हो। पिताजी मेरी शादी तुमसे नहीं करवाएंगे, तुम्हें कोई काम धंधा करना पड़ेगा। देखो टुनटुनी, मैं बचपन से ही बहुत आराम से पला हूँ, मुझे काम करने की आदत नहीं है। मैं तो बस अपने माँ बाप के कहने की वजह से पढ़ाई कर रहा हूँ, और फिर तुम मुझे यहाँ मिल गई, इसलिए मैं रोज कॉलेज आ जाता हूँ। वरना मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हें नौकरी का इतना ही शौक है तो वो तुम कर लेना, क्या हो गया, तुम नौकरी कर लेना, मैं घर संभाल लूँगा। टुन्नू की ये बात टुनटुनी चिड़िया को काफी अच्छी लगती है। वो घर जाकर अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। पिताजी मेरे कॉलेज में एक लड़का है टुन्नू, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तुम उससे मुझे मिलवा दो। और ये तो बताओ वो काम क्या करता है। पिताजी वो कोई काम नहीं करता अभी तो, लेकिन मैं कुछ ही समय में नौकरी ले लूंगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। तू नौकरी करेगी और वो घर पर बैठा रहेगा क्या, मैं ऐसे निकम्मे से तेरी शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। तुझे जिससे शादी करनी है कर, लेकिन वो अच्छा और कमाने वाला लड़का होना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर टुनटुनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले दिन वो टुन्नू चिड़ा के साथ भाग जाती है और उससे शादी कर लेती है। इधर बबलू कबूतर अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। अभी तक टुनटुनी कॉलेज से घर क्यों नहीं आई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, मुझे अभी उसके कॉलेज जाकर पता करना पड़ेगा। वो निकल ही रहा था तभी टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ आ जाती है। पिताजी आप हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे ना, इसलिए मुझे मजबूरन इस तरह शादी करनी पड़ी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं टुन्नू जी के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैंने इनसे शादी कर ली है। कुछ दिनों में मेरी नौकरी भी हो जाएगी, फिर मेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, मैं आराम से इनके साथ रह सकती हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ रह सकते हैं। बबलू कबूतर टुनटुनी से बहुत ज्यादा नाराज था, वो टुनटुनी को मना कर देता है। टुनटुनी चिड़िया की नौकरी लग जाती है। टुन्नू चिड़िया टुनटुनी से पैसे ऐंठता रहता था, टुनटुनी उसकी बातों में आकर उसे खूब सारे पैसे देती थी। एक दिन टुनटुनी की सहेली बुलबुल चिड़िया आती है। क्या बात है टुनटुनी, बहुत परेशान लग रही है, आज तू काम पे नहीं गई क्या। अरे नहीं नहीं, देख मेरी तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं नहीं गई हूँ। अच्छा अगर तेरी तबीयत खराब है तो तेरा पति कहाँ गया, दवा लेने गया है। नहीं बुलबुल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है इनका, आजकल रोज गायब रहते हैं। मैं तो अपने काम पर चली जाती हूँ, उसके बाद पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं। आज मैं घर पे नहीं हूँ तब मुझे पता चला है, वो आज मैं काम पे गई थी लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं घर लौट आई और जब घर आई तो घर में कोई नहीं था। टुनटुनी बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तो तेरे पति पे शक हो रहा है, कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं करता, कहीं उसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। अरे नहीं नहीं बुलबुल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो,
मेरे पति ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, वो तो अच्छे ख्यालों वाले हैं। देखो मैं काम करती हूँ तो क्या हुआ, वो घर भी तो संभाल लेते हैं। ठीक है टुनटुनी, मैं बस इतना ही कहूँगी कि तू अपने पति पर नजर रख। शाम को टुन्नू चिड़ा घर आता है, वो टुनटुनी को पहले देखकर हैरान हो जाता है। टुनटुनी तुम घर पे हो, तुम काम पर गई थी ना, तो तुम इतने जल्दी घर कैसे आ गई? टुन्नू जी मैं तो सुबह ही घर आ गई हूँ, लेकिन आप बताइए आप मेरे यहाँ से जाते ही गायब कैसे हो गए, कहाँ चले गए थे आप और दिन भर कहाँ थे? वो मैं तो अपने दोस्तों के साथ था ना, वो मैं उनके साथ घूमने के लिए गया था। अब तुम तो मेरे साथ दिन भर रहती नहीं हो, तो मैं अकेले बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं घूमने गया था। वैसे टुनटुनी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या तुम मुझे 10,000 दे सकती हो? 10,000 रुपए? अभी कल ही तो मैंने आपको 30,000 रुपए दिए थे, उतने पैसों का क्या किया आपने? देखो टुनटुनी, अगर तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने तो तुम साफ साफ बता दो, इतने सारे सवाल मत करो। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पैसे दे देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ गलत लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं बुलबुल सच तो नहीं कह रही, कहीं मेरे पति का अफेयर तो नहीं चल रहा। मैंने उन्हें 30,000 रुपए दिए थे, ये कोई कम रकम तो नहीं होती, वो इतने सारे पैसों का आखिर करते क्या है? दो ही दिनों में इतने पैसे कैसे खर्च हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना पड़ेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने ऑफिस जा रही थी। टुन्नू जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, अब मुझे बेहतर लग रहा है, आप घर का ख्याल रखिएगा और समय पर खाना भी खा लीजिएगा, मैं जल्दी ही आऊँगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया ऑफिस जाने का नाटक करती है और बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। थोड़ी देर के बाद टुन्नू चिड़िया घर से बाहर निकलता है, टुनटुनी चिड़िया उसका पीछा करती है। टुन्नू चिड़िया काली कौवी के पास जाता है। कैसी हो काली कौवी, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तो तुमसे मिले बिना एक भी दिन नहीं रह सकता, पर मजबूरन मुझे उस टुनटुनी के पास रहना पड़ता है, क्या करूं, मेरा खर्चा तो वही उठाती है ना। हाँ टुन्नू, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम उस कलमूही के साथ रहते हो, पर मैं भी क्या करूं, हमें तो मजबूरन सहना ही पड़ेगा ना। वैसे तुम मुझसे कब शादी करोगे, तुम टुनटुनी को क्यों नहीं छोड़ देते? अरे काली कौवी, टुनटुनी तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों के समान है, वो तो मुझे इतने सारे पैसे देती है, तभी तो मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेकर के आता हूँ ना। देखो आज मैं तुम्हारे लिए सोने की चेन लेकर के आया हूँ। अच्छा तो इसलिए तुम मेरे से इतने सारे पैसे लेते हो, तुम मेरी मेहनत की कमाई इस काली कौवे पर उड़ा रहे हो, तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, मुझे पता नहीं था, मेरे पिताजी बिल्कुल सही थे, मुझे तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए थी, मैं आज के आज ही तुम्हें तलाक देकर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा को तलाक के कागज दे देती है और साथ ही एक नोटिस भी देती है। देख लो टुन्नू चिड़ा, ये तलाक के कागज है और ये नोटिस है, तुमने मेरे जितने सारे पैसे खर्च किए हैं, मुझे वो सारे पैसे बस एक महीने के अंदर चाहिए, तुम वो पैसे कहाँ से लाओगे इसका मुझे कोई पता नहीं है, तुम बस मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझ में आया, मैं अपने पिताजी के पास जा रही हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने सही कहा था, टुन्नू चिड़ा मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं था, उसका बाहर अफेयर चल रहा था और वो मेरा इस्तेमाल कर रहा था, मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे को यूं ही उड़ा रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि तू मेरे खिलाफ गई, मैं तो हमेशा बस चाहता था कि तू खुश रहे जहाँ भी रहे, लेकिन उस टुन्नू ने तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए उससे लाख गुना अच्छा चिड़ा देखकर तेरी शादी करवाऊंगा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पिताजी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।